तो अभी यार हमाद भाई के पास बैठे थे तो गपशप लगा रहे थे हम। जैद तसूरी जो है ना, जैद तसूरी खान, वो कौन है यार बच्चा? वो तो बताएं, वो सिंध के जो गवर्नर का उनका बेटा है, सिंध के गवर्नर का बेटा है। तो उसकी उसके बारे में जो है ना, वो देख रहे थे कि वो पहले जो है ना वो तुर्की गया, तुर्की जाके ना वो मिलता है ट्रिगर्ड इंसान से, वो इंडिया के बहुत बड़ी यूट्यूबर है। जी जी, ठीक है, साथ उसका भाई भी होता है। जी जी, तो उधर वो गपशप लगा रहे हैं यार इधर। इनको भी आईफोन का लालच दिया हुआ है, आईफोन लेके दे रहे हैं, वो लेके दे रही है। वैसे नदीम भैया को घर की तरफ इस्लामिक दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज हुसैन पास, आप ये देख रहे हैं अपना व्लॉग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वेलकम अगेन बैक टू द न्यू अदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत मुश्किल से जो है ना आज का भी व्लॉग शुरू किया है, बनाने का कोई दिन नहीं। मोहम्मद भाई आ रहे हैं तो मैंने बोला यार हम भी व्लॉग बना लेते हैं, ठीक है। बहुत ही यार अफसोसनाक जो है ना, अब अच्छी वक्त भी था जिसके साथ, जिसकी वजह से ना कल व्लॉग बना सकते, परसों पुराना ही व्लॉग अपलोड किया, तो अभी जो है ना वो रेगुलरली व्लॉग बना रहे हैं। तो यार हमाद भाई हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी छोटी सी एक वीडियो बनाने लगे हैं, तो वो वीडियो शूट करते हैं। आप हमाद भाई, क्या हाल है? जी बस ठीक ठाक, आप सुनाए? काफी ज्यादा कह रहे हैं बड़े मीटअप हो रहे हैं आजकल। यार काम ही ऐसा है कि रोजाना मीटअप करना पड़ता है, काम ही ऐसा हमारा। इधर बैठते हैं, इधर बैठ के जाना एक वीडियो बनाते हैं फिर। तो अभी यार हमाद भाई के पास बैठे थे तो गपशप लगा रहे थे हम। जैद तसूरी जो है ना, जैद तसूरी खान, वो कौन है यार बच्चा? वो तो बताएं, वो सिंध के जो गवर्नर का उनका बेटा है, सिंध के गवर्नर का बेटा है। तो उसकी उसके बारे में जो है ना वो देख रहे थे कि वो पहले जो है ना वो तुर्की गया, तुर्की जाके ना वो मिलता है ट्रिगर्ड इंसान से, वो इंडिया के बहुत बड़ी यूट्यूबर है। जी जी, ठीक है, साथ उसका भाई भी होता है। जी जी, तो उधर वो उसकी मुलाकात होती है, वो बताता है कि मेरे दोस्त आपको बहुत लाइक करते हैं, ये वो, ठीक है, और ना आप पाकिस्तान आए हम आपको फुल सिक्योरिटी देंगे, ये वो। सही है, तो वो उसने ना अपनी वीडियो में कहता है, उनकी वीडियो में कहता है कि जिनके मेरे चैनल का शार्ट आउट भी दे। जी जी, सही है, तो वो शार्ट आउट वगैरह दे देते हैं। फिर पाकिस्तान आके शायद ये सोचता है कि यार फेमस हो जाते हैं। अब वो भी साथ मशवरा किया भाई, हाँ, उसने मशवरा करने के बाद फिर बड़े बड़े पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को बुलवाया है, और डकीस के साथ पहले तो मास अख्तर को बुलाया है, फिर सलमान नुमान को, फिर डकीस इसका रबता नहीं था, और कह रहे हैं कि भाई डक्की को स्पेशल मिलने के लिए ये लाहौर गवर्नर हाउस आया और उसको इनवाइट किया, वो भी इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों में जिन पे वो खुद नहीं इतना घुमा, उन्हें उस पर डक्की को घुमाया उसने। ऐसी बात, सही बात, वो खुद जो है ना वो मर्सिडीज़ पे घूमता है और डक्की को रेंज रोवर, पता नहीं लैंड रोवर, कौन कौन सी गाड़ियों पे घुमाया है। तो फिर उसे इन्वाइट किया सारा, तो उससे घुमाया फिराया, गवर्नर हाउस भी दिखाया। सही है, तो फिर अपने चैनल का लिंक दिया है, उसे भी अब शौक हो गया फेमस होने का। जब एक दिन में उसके 50K प्लस सब्सक्राइबर थे, ठीक है, डक्की की वजह से, डक्की वाली वीडियो ही वायरल हुई, डक्की भाई वाली वीडियो ही उसकी वायरल हुई है। हम जैसे लोग अगर डक्की को बुलाएं, वो तो हमें दूर से ही बोले बाय बाय, वो ऐसे बोले हमें। तो फिर उसके बाद जी डक्की ने, आपको पता है, हनीमून पे जाना था, ठीक है, कराची से उसकी फ्लाइट थी, तो वो जाता है कराची, कराची से ये पिक करते हैं दोबारा इसे। तो डक्की एक दफा दोबारा बनाता है उनके घर का पूरा गवर्नर हाउस का टूर, साथ में उसका जरूर की चीजें, वो लड़का दिखाता है डक्की को, ये वो प्राणी जो है वो पूरे दो दिन रहे हैं गवर्नर हाउस में। बिल्कुल, और उससे ही उसके तकरीबन अभी 86 सब्सक्राइबर है। बात करने का मकसद ये है यार, देखिए बंदे के पास पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जी जी, आपके पास आप पैसा है, आप किसी को भी बुला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फेमस होना कोई मसला ही नहीं है। हमें देख लें, हमें 2-2.5 साल हो गए हैं, तो हम यहीं पे हैं, वो पीछे से आया है, वो ऐसे ऊपर ही चला गया ज्यादा ही। हाँ जी, तो अभी उसकी उम्र क्या है, देखें कि 12 साल उम्र है, तो वो हमसे भी ज्यादा होशियार है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें कि उसने अपने अब्बू जान को कैसे कन्विंस किया है कि आओ जो मैं जो ना यूट्यूब शुरू करना चाहता हूँ, फेमस होना चाहता हूँ, मैं इन बंदों से मिलना चाहता हूँ। फिर उसने प्रोग्राम बनाया डक्की के साथ, शेयर आइडिया किया कि हम 100 मिलियन जो है ना 100 बंदा जिनके मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, उन्हें बुलाएं और उनसे लिंक लगवाएं, और एक दिन में 3-4 मिलियन हो दे। हाँ
यानी कि एक टोटल जो है ना मिलियंस प्लस हो सब्सक्राइबर 100 बंदे के, तो फिर वो 100 मिलियन से भी प्लस होते हैं। ऐसी बात, यानी कि वो कितने करोड़, 10-20 करोड़ बंदा। बस यार यही कहने का मकसद है, पैसा हो कुछ भी हो सकता। हाँ बस है? हम जलील हो रहे हैं और इसी तरह होते रहेंगे क्योंकि आपने हमें सपोर्ट करना ही नहीं है। ना बेल आइकन को दबाना है। इधर बुलाए ले वो हमारा इंस्टाग्राम पे अगर हम मैसेज भी करें ना कोई 400 साल बाद फिर भी उन्होंने नहीं देखना मैसेज। हाँ, ये तो देखते हैं यार, हम भी किसी दिन, हम गरीब जो बंदे हैं हम भी वायरल हो जाएंगे किसी ना किसी दिन। वैसे वो तो हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी अहमद का वेट कर रहे हैं, वो भी आ रहा है अहमद भाई। अभी देखते हैं वो अहमद की देर भाई। यही बस यार आपसे बात करनी थी, देखे कि वो जो है गवर्नर का बेटा और हम मामूली से इंसान है, यहाँ सोद्रा शहर में रहते हैं, वो सिंध में कितनी बड़ी पोस्ट में बैठे हुए हैं, तो वो किसी को भी बुला सकते हैं ना फिर। सही बात है। जी तो अभी अहमद का यार देखते हैं, वेट करते हैं, कॉल करता हूँ उसको जल्दी आए यार, गपशप लगाएं फिर। लें जी अहमद भाई जाना, वो आ चुके हैं। नदीम मुबारक ऑफिशियल। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई हमारे साथ आ गए हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस यूट्यूबर टिकटॉकर जो के स्टार माने जाते हैं इस दुनिया के, माने स्टार अहमद भाई साथ है ना, एक मिनट नदीम भाई के साथ साथ ना यार कैमरे वाला गपशप लगा रहे हैं यार इधर। इनको भी आईफोन का लालच दिया हुआ है, आईफोन लेके दे दो, वो लेके दे दी है। वैसे नदीम भाई आपको घर की तरफ हमारा घर है वो साइड पे बलका की ईदगाह, उसकी बैक साइड गपशप लगा रहे हैं, इस तरह लगाते हैं यार। तो यार नदीम भाई वापसी जा रहे हैं, तो ओके हो गया यार मुलाकात करके, बहुत ही अच्छा लगा, इंशाल्लाह फिर मीटअप होता है दोबारा। ओके हो गया। इन्हें यार पार्किंग उधर गाड़ी इनको खड़ी है, पार्किंग तो ले जाओ। ले गए हैं ड्राइवर साहब, रोटी खाने गया है यार, ये जा रहे हैं। तो यार गपशप काफी ज्यादा लगा ली है, ठीक है। तो अभी हमाद भाई घर जा रहे हैं, काम है तो कोई जरूरी, तो हम भी हाँ काफी टाइम हो गया, हम तकरीबन 2 बजे के तो आए हुए हैं, 5 बज गए, 3 घंटे जो है ना वो गपशप लगाई है। तो अभी अहमद लोग भी आ गए हैं, वो जो स्टार आए थे उतारने गए थे। माशाल्लाह व्यू काफी खूबसूरत आ रहा है। ले जी मेहर से बात हो रही है, काफी दिनों बाद इसको मिली है जी तनख्वाह, और ये हमें पैसे दिखा रहा है। सही है, नीले पीले और चीले नोट गिन लो कि सही हो गया भाई। ये जरा ना ये स्टेट बैंक च जमा कराओ, वो इन्नी वड्डी रकम है कोई लै ही ना जाए। अच्छा जी, अच्छा कि कोई बड़ा नोट नहीं है, कोई लाख वाला। बल्ले बल्ले मैं रोना थी बल्ले। याशी कर रहे ने बाबा जी मलेशिया दे वेच सुबह बहु एक बस दुआवां तुहाड़ियां दुआवां ते करो एक सब ठीक ठाक है, तो घर कॉल करो तो पैसे घर पाओ, मैं तो उसे स्टेट बैंक वाले कब्जा कर दे, जेडी वोडी रकम है कोई खो कहीं ना लै जाए। ए यूट्यूब वास्ते बनती है वीडियो कैमरा आने। तो यार अहमद जो है वो काफ़ी देर का घर चला गया, वैसे सफियान और अहमद लोग वैसे वापसी आने लगे हैं, ठीक है। गपशप लगाते हैं यार उनके साथ, तो व्लॉग इधर ही नहीं करते हैं क्योंकि टाइम नहीं यार मिलता एडिटिंग का, अपलोडिंग का, ठीक है। ऊपर से बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं जिसकी वजह से हम यार बहुत ही महंगा काम हो गया, एक्सपेंसिव हो गया कि वीडियो बनाना बहुत ही महंगा हो गया, क्या करें बनानी मजबूरन बनानी पड़ती।
होती है, फिर बहुत सी मजबूरियाँ हैं, जो मजबूरियाँ भी देखनी पड़ती हैं, ब्लॉग भी बनाना पड़ता है और दुनिया भी काम भी देखने पड़ते हैं, सही है, सारे काम देखने पड़ते हैं हमें। तो मिलते हैं जी आपको कल न्यू ब्लॉग में, तो हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।